नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत और आप देखना शुरू कर चुके हैं बिहार के संविदा कर्मियों का लोकप्रिय नेटवर्क न्यूज 444 न्यूज नेटवर्क। तो दोस्तों, एक बार फिर आपका हमारे चैनल में स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। तो दोस्तों, आज की जो महत्वपूर्ण खबर है वह बिहार के तमाम संविदा कर्मचारी, आउटसोर्स कर्मी और जो है कि जितने भी अनुबंध कर्मी हैं उन सभी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट हम लेकर आए हैं। तो सारा खबर हम आपको बताए उससे पहले, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। हम आपको कुछ संविदा कर्मियों का नाम बताने जा रहे हैं। आप इन संविदा कर्मियों का नाम पहले ध्यानपूर्वक सुनिएगा। इंदिरा आवास सहायक, ग्रामीण विकास विभाग, पंचायत रोजगार सेवक, ग्रामीण विकास विभाग, विकास मित्र, कल्याण विभाग, लेखापाल सह, आईटी सहायक, पंचायती राज विभाग, बेल्ट्रॉन के डाटा एंट्री ऑपरेटर, बेल्ट्रॉन, समाज कल्याण विभाग आईसीडीएस के जो ऑपरेटर होते हैं और आईसीडीएस के संविदा कर्मी जो समाज कल्याण विभाग में कार्य करते हैं, राजस्व और भूमि सुधार विभाग में चकबंदी में कार्यरत संविदा कर्मी, ग्रामीण विकास विभाग मनरेगा में कार्यरत संविदा कर्मी और बिजली विभाग के संविदा कर्मी जिनमें मानव बल मुख्य रूप से हैं, पीएचडी के ऑपरेटर होते हैं जो कि पंप ऑपरेटर होते हैं, अतिथि शिक्षक, ग्रामीण चिकित्सक, एसिस्टेंट आईसीडीएस, सैप पुलिस जवान, संविदा अमीन, कृषि उद्यान निदेशालय के तहत प्रखंड उद्यान पदाधिकारी, एलएसबीए के प्रखंड समन्वयक, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान, स्वास्थ्य विभाग की एएनएम, बड़ी संख्या में नई नियुक्ति भी हो चुकी है, कार्यपालक सहायक, पंचायती राज विभाग, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका, न्याय मित्र, कचहरी सचिव, पंचायत राज विभाग, किसान सलाहकार, कृषि विभाग, रात्रि प्रहरी जो विद्यालय में कार्यरत हैं, शिक्षा विभाग, टोला सेवक तालीमी मरकज, शिक्षा विभाग यानी कि शिक्षा सेवक तालीमी मरकज, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के संविदा कर्मी, प्यून वगैरह होते हैं, ऑपरेटर होते हैं, बहुत होते हैं। उर्मिला के तहत कार्यरत, उर्मिला इंटरनेशनल के तहत कार्यरत स्वास्थ्य विभाग में बहुत सारे जो है कि ऑपरेटर हैं। इतना जो है कि संविदा कर्मी बिहार में जो है कि हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, किंतु सरकार जो है कि इतने संविदा कर्मियों के सवाल पूछने पर सीधी जवाब देती है कि इन लोगों का सेवा स्थायी और वेतनमान होगी, समय नहीं बताती है सरकार। सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ यही होता है कि जब सरकार से तिथि और दिनांक की बात पूछी जाती है कि किस दिन होगी, कब होगी और कैसे होगी, तो जवाब गोलमोल आता है कि होना है, होगी। यह तो सबको पता है कि सारे लोग एक रोज मरेंगे, लेकिन कब मरेंगे तिथि का जो है कि पता होना ना चाहिए। तो सरकार के महा जो प्रधान सचिव हैं, मुख्य सचिव हैं आमिर सुभानी साहब, ऑन द रिकॉर्ड मैं कह रहा हूँ, उनसे हमारी बात हुई है, वे तिथि नहीं बता रहे हैं। वे कहते हैं मुख्य सचिव बिहार कि जो है कि संविदा कर्मियों का सेवा स्थायी और वेतनमान होना तय है। एक एक संविदा कर्मी का नाम रख के हमने उनसे पूछने का काम किया और उनका जवाब एक ही है कि संविदा कर्मियों का सेवा स्थायी वेतनमान होगा, कर्मचारी भविष्य निधि होगा, पेंशन का लाभ मिलेगा। और मैंने जब पूछा कि वह तिथि कौन सी होगी, वह दिन कौन सा होगा, वह तारीख कौन सा होगा, तो आमिर सुभानी साहब बोले कि यह तो अभी हम नहीं बता सकते हैं, इसके लिए तो आपको फिर से हमारे पास आना होगा, आप आइए अब की बार मिलिए तो आपको हम जो है कि बताएंगे। इस तरह की बात बिहार में चल रही है। इसमें तो होना प्रयास संविदा कर्मियों के तरफ से भी नहीं हो रहा है। बिहार के ये सारे संविदा कर्मी महासंघ बनाए हुए हैं, महासंघ में इन लोगों को जोड़ा गया है, इनका बाजाबता टेलीग्राम ग्रुप चलता है, इनके अध्यक्ष होते हैं महासंघ के, प्रदेश अध्यक्ष होते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं, जिला अध्यक्ष होते हैं, ऑलरेडी एक कमिटी जो है अपने स्वरूप में है, किंतु धरातल पर नहीं है, यह सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। कमिटी धरातल पर क्यों नहीं है, क्योंकि धरातल पर हमने देखा कि वार्ड सदस्य आंदोलन किए गर्दनीबाग पटना में, जिसका प्रभाव सरकार पर पड़ा, दूसरी तरफ पुराने वार्ड सचिव आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन ये संविदा कर्मी भाई बहन अपने जीवन के लिए भी प्रयास नहीं करने वाले लोग हैं। एक कदम चलकर
और एक रोज या दो रोज या पांच रोज का समय अपने मांगों को शांतिपूर्ण तरीके से रखने में भी ये लोग जो है कि कोताही बरत रहे हैं। यह बात बहुत ही दुखद है। और आज हम संविदा कर्मी भाई बहनों को यही कहने आए हैं कि जितना प्रयास हम कर रहे हैं, यदि उसमें थोड़ा सा प्रयास आप लोग भी कर देते तो आज संविदा कर्मियों की दशा और दिशा बदल चुकी होती। पहले दिशा बदलिए, उसके बाद दशा स्वयं बदल जाएगा। आप लोग किस दिशा में जा रहे हैं इस पर विचार कीजिए। संविदा कर्मी लोग कतई जो है कि कहीं आंदोलन के क्रम में सरकार के नज़र में नहीं है। कोई भी संविदा कर्मी संगठन आज जो है कि गर्दनी बाग पटना की धरती पर बैठने के लिए तैयार नहीं है। और इसी का परिणाम होता है कि अधिकारियों के कानों तक जो है कि हमारी बात तो पहुंचती है, लेकिन संविदा कर्मियों का पक्ष, संविदा कर्मी अपना पक्ष रखने में असफल हो जाते हैं, जिसका परिणाम होता है कि रिजल्ट 100% नहीं मिलता है। वैसे सरकार के अधिकारी चीफ सेक्रेटरी हमको कह रहे हैं कि आप मिलिए, सबसे पहले न्यूज हम आप ही को देंगे और किसी को दिन और तिथि बताएंगे तो वह पहला व्यक्ति आप हैं। आपको बताएंगे कि बिहार में संविदा कर्मियों का जो है कि किस तिथि को, किस दिनांक को और कब जो है कि सेवा स्थायी वेतनमान, कर्मचारी भविष्य निधि और पेंशन की सुविधा सरकार करेगी। लेकिन इतना आभास तो हो चुका है कि कांग्रेस पार्टी और अन्य दल गुजरात चुनाव में जब उनका जो है कि हमने घोषणा पत्र पढ़ा तो उसमें जो है कि सबसे पहले घोषणा पत्र में यही उल्लेख किया गया है सभी दलों के द्वारा कि जितने अस्थाई कर्मी हैं उन सभी कर्मियों को अस्थाई करते हुए वेतनमान दिया जाएगा। तो जब सारे दल चुनावी घोषणा पत्र में इस बात को ला रहे हैं तो बिहार में भी सारे दल जो है कि इसको लाएंगे। लेकिन अभी भारतीय जनता पार्टी जो कि विपक्ष में बैठी हुई है और जनता दरबार बजाबता इनका कार्यक्रम लग रहा है, उस कार्यक्रम में भी संविदा कर्मियों का संगठन नहीं पहुंच पा रहा है। यह जवाबदेही संगठन चलाने वालों की है। मेरे चैनल पर 75,000-76,000 संविदा कर्मी जुड़े हुए हैं। यदि मैं एक संविदा कर्मी से 50 रुपया चंदा लूंगा तो वह रुपया 40 लाख से 36-40 लाख मैं मल्टीप्लाई नहीं किया हूं, मंदाजन 30 लाख से और 35 लाख के करीब में जो है कि रुपया हो जाएगा। लेकिन मेरा काम संगठन चलाना नहीं है, इसलिए मैं किसी से चंदा लेने का काम नहीं करता हूं। और जो लोग जो है कि संगठन चला रहे हैं, जिनका काम ही है चंदा लेकर संगठन को पोषित करना और जो है कि संविदा कर्मियों के जायज मांगों से सरकार को अवगत कराना, न्यायालय को डील करना, सारे फाइल के बारे में खबर रखना, वे लोग जो है कि संविदा कर्मियों को बरगलाने का काम करते हैं। वे लोग बताते हैं कि रंजीत जी का जो चैनल है उसको मत देखिए। अरे भाई, आप जो कहते हैं उसके पीछे आप कोई तर्क तो दीजिए कि क्या बात है, क्या हम कर देते हैं संविदा कर्मियों को, जो कि संविदा कर्मियों को चैनल देखने से रोकने की बात कुछ संघों के द्वारा की गई है और इसका पुष्ट प्रमाण मेरे पास है। लेकिन मैं इससे विचलित होने वाला नहीं हूँ। मेरे चैनल को बिहार की 12 करोड़ जनता देखती है और मैं जो इस चैनल पर बोलता हूँ वह पूरे बिहार का लोग और सरकार के अधिकारी देखते हैं, चाहे वह प्रखंड का अधिकारी हो या जो है कि राज्य का अधिकारी हो। सारे लोग मेरे चैनल के हर एक वीडियो को और पूरी तन्मयता के साथ देखते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ। और जो है कि सबसे एक्टिव अगर संविदा कर्मियों का कोई संगठन, कोई समूह माना जाता है तो वह News 444 ही है, जिस पर सरकार भरोसा करती है और सरकार सचेत है कि आग जब भी लगेगी, धमाका जब भी होगा तो News 444 न्यूज नेटवर्क वाला ही करेगा, दूसरा कोई बिहार में करने वाला नहीं है। तो हम लगे हुए हैं और बिहार के चीफ सेक्रेटरी को एक बार फिर अपने चैनल के माध्यम से संदेश देना चाहते हैं कि जितना जल्द हो सके यह जो असमंजस की स्थिति बनी हुई है इसका जो है कि पटाक्षेप हो और संविदा कर्मियों को उनका हक और अधिकार मिले, सेवा स्थायी वेतनमान किया जाए, पेंशन का लाभ दिया जाए। अन्यथा जो है कि हम इस चैनल के माध्यम से ऐसा मुहिम चलाएंगे कि सरकार की ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। जरूरत है संविदा कर्मियों की सपोर्ट की। इस वीडियो को इतना लाइक और शेयर कीजिए कि यह वीडियो
सरकार के कानों तक आपकी आवाज को पहुंचाने का काम करे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण खबरों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।